नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पिजन प्लेनेट और मैं आपका दोस्त भूरा शर्मा। तो भाई आज मैं अपने कबूतरों को डिवर्म करने जा रहा हूँ। तो आज दोबारा से हम जो डिवर्म कर रहे हैं वो कर रहे हैं डोंटल प्लस से। ये टैबलेट है डोंटल प्लस, एक टैबलेट से मैं 50 कबूतरों को करता हूँ। तो मैंने 2 टैबलेट ला रखी हैं तो आज इनको करेंगे। तो भाई इसमें चाहिए क्या क्या है, ये चीनी है, आप चाहो तो देसी खांड भी ले सकते हो, शक्कर भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और थोड़ा सा गर्म पानी, गर्म पानी इसलिए कि भाई ये जल्दी पिघल जाए। क्योंकि ठंडे पानी में पिघलने में टाइम लगाती है, तो गर्म पानी इसलिए मैंने कर रखा है कि जल्दी पिघल जाए। इसमें भी डाल देता हूँ, ये मेरे दूसरे कबूतरों के लिए हो जाएगी। और ये लगभग 1 लीटर सादा पानी ले रखा है मैंने। चीनी को अच्छी तरीके से घोल के और इस पानी के अंदर मिला के एक डोंटल प्लस की टैबलेट ये डाल दी इसके अंदर भाई, वो पिघलती रहेगी। आप चाहो तो उसको पानी में भी डाल सकते हो इधर भी, लेकिन इधर चीनी एक बार अच्छी तरीके से घुल जाए ना फिर इसमें मिल जाएगी। मीठा डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर मीठा नहीं डालेंगे तो कीड़े जल्दी से बाहर निकलते नहीं हैं। आज मैं अपने टोटली कबूतर को डिवर्मिंग करने जा रहा हूँ डोंटल प्लस के साथ। जो भी रिजल्ट रहेगा आप लोगों को दिखाएंगे। कीड़े, ये तो गोली ऐसी है बिल्कुल, कीड़े अगर होंगे कबूतरों के अंदर तो बिल्कुल सबको बाहर निकाल देती है। थोड़ा इसको लगाने का तरीका आना चाहिए दोस्तों। मैं इस गोली को 50 कबूतरों में लगाता हूँ, ये 50 में भी लगती है, 60 में भी लगती है, कोई लगाने को 40 में भी लगा देता है, लेकिन ज़्यादा उसमें नहीं लगानी चाहिए दोस्तों। ज़्यादा अगर मान लो 40 कबूतरों की गोली लगा देती है तो ये कबूतरों को सुखा भी देती है, तो बड़े हिसाब से इस गोली को लगाना पड़ता है। और इस गोली को लगाने से पहले 5 दिन पहले हमें लीवर टॉनिक अपने कबूतरों को देते रहना चाहिए, और 5 दिन बाद भी लीवर टॉनिक देना चाहिए, साथ में मल्टीविटामिन दे देना चाहिए। जैसे सुबह के टाइम मान लो लीवर टॉनिक दे दिया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, दोपहर में जब पानी बदलते हैं तो हमें उसके अंदर विमराल या कुछ और भी मल्टीविटामिन मिला देने चाहिए, ताकि कबूतर में कोई भी कमी ना आ पाए, क्योंकि गोली काफ़ी हार्ड होती है। ये कुत्तों में लगती है ये गोली, लेकिन कबूतरों में भी बहुत अच्छा काम करती है। भाई ये पिघल चुका है, अच्छी तरीके से मिला दें दोस्तों। अभी गोली इसमें जैसे रह गई है तो थोड़ा हाथ से मिला लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं कि भाई वीडियो जब चैनल पे ज़्यादा वीडियो डल जाती है तो पिछली वीडियो दबनी शुरू हो जाती है, इसे हमें बार बार वीडियो बनानी पड़ती है। भाई जो हमारे साथ नए भाई जुड़े हुए हैं उन्हें पता नहीं चल पाता, जो पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है। तो भाई ये वीडियो जब भी मैं अपने कबूतरों में कुछ ना कुछ करता हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। अब भाई मौसम भी ठीक है, कल बारिश हो गई थी बढ़िया वाली, आज तो धूप निकली हुई है, इतनी गर्मी है नहीं, और आगे भी मैंने देखा है कि मौसम काफ़ी ठंडा है। ज़्यादा गर्मी के अंदर नहीं लगाता हूँ मैं इसको, जब मौसम ठंडा हो जाता है तब इस गोली को लगा देते हैं भाई, क्योंकि मेरे कबूतरों में ना 2-4 कबूतरों में चावल के दाने जैसे जो है कीड़े निकल रहे थे, जैसे चावल के दाने होते हैं तो कीड़े बने हुए थे। तो मगा भाई डोंटल प्लस गोली लगाई जाए। पिछली बार मैंने किसी और चीज़ से करी थी, इस बार मैं डोंटल प्लस से कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट बेस्ट है भाई।
ये गोली मिल चुकी है। और आइए भाई, डीवर्म करने के लिए नहीं करना पड़ेगा अंदर का लोग। कैसे फिर पहचान में आते नहीं है, इधर आ जाओ इधर। कौन से कबूतर को हुई कौन से को नहीं हुई पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस बार एक बार इन्हें अंदर करके और एक ही कबूतर को डीवर्म में। जैसा कि देखिए अभी डीवर्मिंग हुई नहीं थी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कबूतर की बीट के अंदर कैसे कीड़े आए हुए हैं। दिखाना ये देखो, जैसा ये रहा कीड़ा और ये रहा, ऐसे कीड़े बीटों में आ रहे हैं कबूतरों के। अब हमें पता नहीं है कि ये किसकी बीट के अंदर है किसकी बीट के अंदर नहीं है, लेकिन कीड़े हमारे कबूतरों के पेट के अंदर बने हुए हैं। ये देखिए जैसे ये है, अब ये जब टैबलेट लगा देंगे तो जितने भी कीड़े हैं सभी के सभी कीड़े बाहर हो जाएंगे दोस्तों। और लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, इसका कोई तरीका वो नहीं है। जब भी हमें इंजेक्शन भरना ना तो इसको हिलाना ज़रूर है पानी को, क्योंकि नीचे गोली जम जाती है, वो जमानी नहीं है। 20-20 ml पानी के हिसाब से ही बनाया है मैंने। कोई भाई 40 ml पानी भी दे देता है, कोई कितना भी दे देता है, लेकिन 20 ml पानी बहुत होता है दोस्तों। तो ये हो गया पहला कबूतर। पानी दिया, छोड़ दिया। अगर आप डीवर्मिंग कबूतरों को नहीं करोगे ना समय अनुसार, तो इनके अंदर बीमारियों का ही कारण बनते हैं, कबूतर बीमार होने शुरू हो जाते हैं। तो समय अनुसार डीवर्मिंग जरूर अपने कबूतरों की करती रहना चाहिए हमें। और हिला के ही करनी चाहिए दोस्तों, हर बार हिलानी चाहिए, क्योंकि हिलाना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से मैं अपनी सभी कबूतरों की डिवर्मिंग करूंगा। और जैसा कि आप देख रहे होगे कि सफाई हमने बिल्कुल कर रखी है, कोई भी दाना वाना छत के ऊपर गिरा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर दाने गिरे हुए होंगे तो दिक्कत हो जाती है दोस्तों। डिवर्मिंग जब भी आपको करनी हो तो सबसे पहले दिन ही प्लान बनाना पड़ता है। आप अपने कबूतरों को एक दिन मान लो शाम के टाइम चुगाते हो, तो उस दिन दोपहर के टाइम आप अपने कबूतरों को दाना पानी दे दो, दाना हटा दो अपने सामने ही, जितना उन्होंने चुगना है चुग लेने दो, उसके बाद आप दाने को हटा दो। दाना हटाने के बाद सिर्फ पानी पानी उसमें रहना चाहिए, और जितना भी दाना अगर ज़मीन पे गिरा है तो सबको उठा दो। अगले दिन जब भी आप वो करोगे तो अपना लॉफ्ट, जैसे हमारा ये जाल है, तो हमने अपना पूरा का पूरा जाल साफ कर रखा है दोस्तों। अपने जाल में कुछ भी नहीं छोड़ना है, कोई कंकर पत्थर कुछ भी नहीं, ताकि कबूतर कुछ खाए ना। तो भाई अब जैसे डीवर्मिंग ये 3 कबूतर हो चुके हैं, अब धीरे धीरे करके मैं सभी को डीवर्मिंग कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, कबूतरों के पेट के अंदर जितने भी कीड़े हैं साफ हो जाएंगे और कबूतर बिल्कुल फटाके मारते हुए फिरेंगे। बस सावधानी यही रखनी है दोस्तों, डीवर्मिंग करने से पहले 5 दिन पहले लीवर टॉनिक, और डीवर्मिंग करने के 5 दिन बाद तक लीवर टॉनिक, साथ में मल्टीविटामिन जरूर चलाएं कबूतरों के, ताकि कबूतरों को कमजोरी ना हो। क्योंकि
डिवर्मिंग जब भी कबूतरों की करते हैं तो कबूतर थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं, कमजोरी महसूस करना शुरू कर देते हैं, और उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमें मल्टीविटामिन साथ में चलाने पड़ते हैं। तो दोस्तों कभी भी डिवर्मिंग करो तो ये छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखना। अब जैसे इन कबूतरों को मैंने कर दिया, दो तीन घंटे कम से कम 4 घंटे तक मैं इन्हें बाहर रखूँगा। 2 घंटे के बाद मैं यहाँ सादा पानी रख दूँगा, जिस कबूतर को जितना पानी पीना है वो पी लेगा, और उसके बाद क्योंकि कीड़े जो है ना थोड़ा टाइमिंग लगा देते हैं निकलने में, तो जब वे सादा पानी पिएंगे तो दवाई का असर तो होता ही है, तो जो भी कीड़े हैं वे भी बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों हमेशा डिवर्मिंग करते वक्त कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी डिवर्मिंग होगी और कबूतर आपके बहुत ही हेल्थी रहेंगे, क्योंकि डिवर्मिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे भाई मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट भी करते थे कि भाई साहब डिवर्मिंग कैसे करें, क्योंकि हमने वीडियो जो बना रखे वो पिछले साल की थी तो समझ में नहीं आती, तो हमने नई तरीके से फिर दोबारा वीडियो बनाई है, क्योंकि जो नए आदमी जुड़ता है तो भाई उसको समझने में, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं तो परेशानी ना हो, तो इस बारे आज हम कर रहे थे अपने कबूतरों को, तो हमने डिवर्मिंग करने का तरीका आप लोगों को बता दिया। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।